दिया है यहाँ पे ए, यहाँ पर माइनस टू चार्ज। सेकेंड पॉइंट लिया है बी, यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो आप डी ले सकते हैं, तो ए ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, एंगल बनाते हुए कोई पॉइंट ज़ूम करना है बी, पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल के साथ में आपने पॉइंट ज़ूम कर दिया कि जहाँ पर आप जाने वाला है इलेक्ट्रिक टेंशन। अब यहाँ की बात अगर करें तो ये अगर टू ए का था तो ये वाले डिस्टेंस बचेगी की और ये वाले भी बचेगी ए होगी। अब ए और बी दोनों पे चार्ज है तो बी पॉइंट पर दो तरह के पोटेंशियल हैं। और पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया हुआ है ए सी पर कौन आ तो गया आपको डिस्टेंस ही मानी जाएगी। तो देखिए डिस्टेंस किस तरह से मानी जाएगी, पॉइंट बी या प्लस चार्ज के लिए डिस्टेंस मानेंगे अपन आर, और माइनस टू के लिए डिस्टेंस मानेंगे आर। आपने क्या किया, दो डिस्टेंस जुड़ गए हैं, एक आर का डिस्टेंस है और एक आर का डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस आपने जुड़ कर लिए हैं। तो देखिए इसी तरह से पॉइंट बी के लिए आपने दो डिस्टेंस मेजर कर लिए हैं, एक आर है और एक आर। अब आपका जो रेफरेंस वैल्यू है डिस्टेंस का वो है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर को रेफरेंस के लिए हम एक काम करें कि परपेंडिकुलर दें आर पर और आर को दोनों के लिए। पहले काम करते हैं बी से ये पॉइंट लेते हैं बी एल और ओ से लेते हैं ओ एल, दोनों आपने परपेंडिकुलर से कर लिए, एक किया है बी एल और एक किया है ओ एल। अब ये आपने किया कि मैं दोस्तों बताऊँ आर आपके पास रेफरेंस है, सिर्फ आपके पास आर ही रेफरेंस है, आर वन और आर टू रेफरेंस नहीं है। तो आर वन और आर टू दोनों की जो वैल्यू है वो आर के रेस्पेक्ट में आपको निकालनी है। तो देखें आर वन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आर में से ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, आर टू निकालने के लिए क्या करेंगे आर में ये वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा। तो आपको ट्राइंगल जो बताया हुआ है या फिर आप बोले साइन के लिए तो आप क्या लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लेते हैं, कॉस के लिए आप क्या लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस लेते हैं। इस फॉर्मूले में अगर आप अप्लाई करें तो आप आर वन और आर टू दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ ओ एल कॉस कैसे आया है इसको मैं लिखता हूँ ए आ रही है। और आपको देखो ओ एल, ओ एल निकालना है जो बेस ही है, अपना एंगल को अगर सीधा करके देखें तो ओ एल ही यहाँ पर बेस है और इसके लिए हाइपोटेनियस जो है वो ए है। इस तरह से मैं देख सकता हूँ जो ओ एल है उसकी वैल्यू क्या रही है ए कॉस है थीटा। और सिमिलरली ए एम अब आगे का काम करते हैं।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये वैल्यू अगर आप यहाँ करेंगे तो बी कॉस ऑफ आएगा
साइन पे डिपेंड करता है। Thank you.
मिक्सचर आएगा 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 इंटू 10 टू पावर प्लस 12 या पोटेंशियल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू पावर 8 वोल्ट। ये इसका फर्स्ट आंसर है। सेकंड पूछा है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। Thank you.
पोटेंशियल आपको निकालना हो तो बी उसका हो जाएगा जीरो। इक्वेटोरियल लाइन पे अच्छा जीरो ही होता है आपको पता है। तो ये है आपका पॉइंट डाइपोल डाइपोल और सिंगल चार्ज के लिए जो भी पॉइंट आपको दिए हुए हैं और एग्जांपल न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं वो सारे आप सॉल्व करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप बताएं, उसका सॉल्यूशन अपन अगले चैप्टर में करेंगे। तो आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे पहले, अभी और बता दिए कुछ, और न्यूमेरिकल्स में अभी तक तो आपका कुछ रिप्लाई आया नहीं है। तो थोड़ा सा बच्चों ध्यान दें पढ़ने में और नोट्स भी बनाएं साथ साथ ही।